वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में आपके साथ में काफ़ी ज़रूरी जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये जानकारी आपने पहले ही सुन रखी हो और ये जानकारी कई मित्र संचालकों को पहले से ही पता भी है, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर एक खास, सबसे खास जानकारी है, क्योंकि जिनको पता है वो सब ये इस चीज़ की सावधानी बरत रहे हैं, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आम लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। तो इसमें आज की अगर हम देखें तो 17 तारीख की ये न्यूज़ है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की दैनिक भास्कर में आई हुई न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जन आधार संशोधन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि जन आधार में जो संशोधन है, कई बार जैसे आपको एक ई मित्र से आपने संशोधन करवाया है तो उससे आप बार बार नहीं करवा सकते। मतलब कि जन आधार में एक बार अगर आप जन्म तारीख, नाम, जाति भरने के बाद उसे ई मित्र के माध्यम से संशोधन बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ये पहले से ही लागू है, पर कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर पता नहीं है तो उनको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने जन आधार में, आपका पहले जन आधार है उसमें आपने कुछ करेक्शन करवाया है, और जैसे आपने जन्म तारीख सही करवाई है और आपने पहले जो जन्म तारीख थी, जैसे कई लोग हैं जिनके 1/1/1995 जन्म तारीख है, उन्होंने वापस सही करवाई है जन्म तारीख, और इस बार उनकी जो जन्म तारीख है वो 29/5/1995 हो गई हैं, पर अगर आप देखें तो उनके कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें जो सही जो जन्म तारीख है वो उनकी है 28/5/1995, तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होने वाली। या फिर अगर नाम में अगर उन्होंने करेक्शन करवाया, करेक्शन के समय भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप दोबारा करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप भी अपना जन आधार में कुछ करेक्शन करवाने जा रहे हैं आम लोगों के लिए, तो अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट वो आपको पहले ही तय कर लेना है, हाँ इसमें जो जानकारी है वो एकदम परफेक्ट है, एक बार हम इसे अपडेट करवा देंगे तो वापस से हमें इसे सही करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी अपडेट करवा दी है और फिर से आपको अगर जानकारी अपडेट करवानी है तो आपको कलेक्टर ऑफिस के काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो दौड़ भाग वाला हो जाएगा, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना काफ़ी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप एक ई मित्र संचालक है और आपने जो करेक्शन किया है उसमें भी अगर आपने, जो आपका कस्टमर आया है उसकी अगर आपने जन्म तारीख, नाम या कुछ भी गलत डाल दिया है तो भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें करेक्शन में आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है और आपके कस्टमर को भी काफ़ी परेशानी होगी, जिससे आपको काफ़ी परेशानी आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो जन आधार कार्ड का काम करते हैं उस समय कंप्लीट आप जानकारी ध्यान में रखें, उसमें जाति, जन्म तारीख और नाम ये चीज़ें आपको गलती से भी गलत नहीं भरनी है, आप दो बार चेक कीजिए उसके बाद आप भरिए। जन आधार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के निवासियों एवं परिवार की जनसंख्या की एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना है। इससे पहले ई मित्र पर जन्म तारीख, नाम, जाति ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराए जा सकता था। जन आधार में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से संशोधन कर सामाजिक, जैसे कि योजनाएं होती हैं उनमें कई बार लाभ उठा लिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें, एक बार अगर आपकी किसी को जन्म तारीख में अगर उसकी जो डेट है, जैसे किसी महिला की पेंशन चालू करने के लिए 55 साल चाहिए और 55 साल नहीं है और उसने फर्जी कोई दस्तावेज बनवा लिया और उसने अपनी डेट 55 साल अपडेट करवा दी होती है, ऐसी कई चीज़ें होती है जिससे कि फर्जीवाड़ा होता है, तो इसमें जो रोक है वो लगा दी गई है। सिर्फ आप एक बार ही जन्म तारीख है वो आप भर सकते हैं, उसके बाद उस पर जो संशोधन है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो समस्या है वो आने वाली है। अगर आपको पुनः संशोधन करवाना है तो आपको कलेक्टर के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ये जन्म का जो प्रूफ है उसमें भी अगर आप देखें, आपके पास भले ही वैलिड प्रूफ हो तो भी आप अगर एक बार संशोधन करवा चुके हैं तो उसके बाद आपको पुनः जो संशोधन है वो आप नहीं करवा सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो अगर आप भी जन आधार अपडेट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप जन आधार अपडेट करवाने जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसकी जो जानकारी है वो बिल्कुल सही हो और उसे आपको बार बार बदलवाना नहीं पड़े, क्योंकि बार बार अब आप देखें तो एक बार बदलवाने के बाद सेकेंड बार बदलने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो इसका आपको कंप्लीट ध्यान रखना है और जो जानकारी वो आपको सही ले जानी है, जो आपके पास वैलिड प्रूफ है उसके हिसाब से इसमें जानकारी अपडेट करवा देनी, तो ये आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है। तो आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।